हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। मैथमेटिक्स यानी कि वर्क एंड टाइम की एक और क्लास के साथ हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए कहता है। 150 डे में पूरा करने का वो कहता है, ठीक है, कंप्लीट वर्क। लेकिन और इसने क्या कितने व्यक्तियों को लगाता है? 200 व्यक्तियों को लगाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 50 दिन बाद इसे पता चलता है कि केवल 1/4 काम हुआ है। तो इसने 200 व्यक्तियों को लगाया, इन्होंने 50 दिन काम किया, लेकिन भैया को पता चला कि भैया अभी तो 1/4 ही काम होना है, हमारे पास 100 दिन बचा है और 3/4 काम को करना है। अब वो सर अपना खुजलाते हुए कहा कि यार अब कितने दिन आदमियों को और लगाएं कि ये 150 दिन में कार्य पूरा हो जाए। तो उसने सोचा, कहा कि 200 व्यक्ति तो हमारे पास पहले से हैं और इसमें कितने आदमियों को जोड़ दिया जाए एक्स को कि बाकी का बचा कार्य हमारा 100 दिन में पूरा हो जाए। 100 दिन बचे हैं, 50 दिन काम हो चुका है, 100 दिन इनके पास बचे हैं, ठीक है। आप काम इनके पास कह रहे हैं कि 3/4 बचा है। हो गया आपका सवाल का उत्तर आ चुका है। जी हाँ, आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। ये 4 से 4 कट जाएगा, अगर संतुष्टि नहीं हो रही तो दोनों को पलट दीजिएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर भी कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। अब इनके पास ये त्रियक गुणा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होती है। 200 × 50 × 3 फिर बराबर कितना है? 200 + x × 100। अब आपको पता है कि गुणा वाला ही क्या होता है कि यहाँ कटता है, गुणे से गुणा ही कटता है, प्लस से गुणा कभी नहीं कटेगा। ये 100 है भैया, ये 200 है, तो दो बार में कट जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 = 300 और ये कितना हो जाएंगे? 200 + x। भैया x बराबर आप घटाइएगा तो 300 - 200 बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 व्यक्तियों को और लगा लें 50 दिनों बाद, जिससे कि इनका क्या हो जाए कि इनका काम जो है बाकी 100 दिन में पूरा हो जाए। आपका उत्तर कितना आसान तरीके से हमने इसको बता दिया। आपको परीक्षाओं में शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न जगहों पे हमने देखा है कि इसको बहुत लंबे तरीके से बताया जाता है, अभ्यर्थियों को सिर्फ गुमराह किया जाता है और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है, जितना काम हो चुका है उसको आप एक तरफ लिख लीजिए, जितना बचा है आदमियों को जोड़ना है तो वहाँ पर आदमी जोड़ लीजिए। यदि आदमी को जोड़ देता है काम कितने दिन में होना है तो काम में आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या है। कह रहा है अगला प्रश्न कि 16 आदमी एक दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी हैं, 14 घंटा काम करते हैं और 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं एक काम को। भैया काम एक ही है। कह रहा है कि 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। भैया 12 से 12 आप उड़ा दीजिए, 14 से आप 28 को उड़ा दीजिए, 2 से आपको 16 उड़ा दीजिए, उत्तर आपका 8 आ जाएगा। 8 डे में ये पूरा काम को उड़ा देंगे, उत्तर आ रहा है ए ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से आपको करना है। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप तो इसको हवा कर देंगे, हवा एक सेकंड में। जो भी काम हो एक तरफ दो तरफ लिख लीजिए, एक तरफ एक काम जो कंप्लीट है, दूसरा जो कंप्लीट होना है लिख दीजिए, जितना कट रहा हो, जितना गुणे में गुणे हो आप काट के उड़ा दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 लड़के, 10 men और 20 boys,
20 दिन में 260 चटाइयाँ बनाते हैं। यानी कि कह रहा है कि 20 बॉय जो हैं 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना लेते हैं। कितना काम करते हैं? 260। यदि आप इनको कन्वर्ट करिएगा तो 10 मैन बराबर कितना होता है 20 बॉय, तो 1 मैन बराबर 2 बॉय आप कह सकते हैं। अब सवाल आपसे कह रहा है कि 8 आदमी और 4 लड़के, 4 लड़के 8 आदमियों बराबर 16 लड़के, यानी कि 16 4 20 लड़के हैं। भैया 8 गुणे 2 प्लस 4 बराबर 20, तो कह रहा है कि 20 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। ऑप्शन ए भैया ये है, कट गया डायरेक्ट 260। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है, कुछ था नहीं इन सवाल में, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परिपक्व होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम बार बार ये डायलॉग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैथ अगर आपको, आप चाहते हैं कि आपको आए तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेट में आपको पता है कितना कंपटीशन है, एसआई में भी हालात वही हैं, पेट एसआई लेखपाल सब के हालात वही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए आपको इस चीज़ों को ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर एक लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, 72 व्यक्ति 280 मीटर ये आपका काम है 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर दीवार बनाने में कितने व्यक्ति लगेंगे। 100 मीटर दीवार है, 18 दिन में ये काम करना चाह रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या इनको नहीं पता है। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, अभी कुछ कट सकता है, यहाँ पे देखिए 4 × 7 = 28 = 70। ठीक है, 300/10 ये भाई इधर हो जाएगा, तो 300/10 यानी कि 30 व्यक्ति जो है, कितने व्यक्ति 18, यानी कि 30 मैन जो है इस कार को आपको 18 दिन में बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, 100 मीटर दीवार को 30 व्यक्ति 18 दिन में बना लेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि 20 मीटर महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क, जितना काम हो उसको आपको नीचे रखना है, हमेशा याद रखना है, 10 दिन में बिछा सकती हैं। 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बिछा सकती हैं। 10 से 10 कट गया है, 20 × 5 = 100 ये हो जाएगा तिरिया गुणा, यानी कि 10 दिन में, भैया ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 5 ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखिए। कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं, चाहे बिजली हो चाहे कुछ भी हो, आप यूनिट से मतलब है। 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करके, 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में 1800 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब आपका उत्तर यहाँ पे हो
6 × 1 = 6, 36 = 18, 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 8 = 24 हो गया। अब इसको काट सकते हैं, कुछ और काट सकते हैं। देखिए इसको आप काट सकते थे डायरेक्टली, लेकिन हमने नहीं काटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट दीजिए, 3 × 5 = 15, यानी कि 50 ही आपका हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका अभी जब ये त्रिक गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 400 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप काट सकते हैं चाहें तो, ये 400 है, इसको आप ऊपर से गुणा करिएगा तो 2 0 तो उड़ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 144/4, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 36। जी हाँ, सी आपका सही आंसर है, यानी कि 36 दिन में वो क्या करेंगे, 1800 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको कर दिया, नहीं तो ये डायरेक्ट कट जाता तो आपको बहुत आसान हो जाता। तो ये आपका कैलकुलेशन, आपको हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी से उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा। चलिए अगला सवाल, मेथड आपको पता होना चाहिए बस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो है कह रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के 66 दिन में कार्य कर सकते हैं, फिर से 12 मैन और 24 बॉयज। इसे आप कह सकते हैं कि 1 मैन = 2 बॉयज, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कह रहा है कि 66 दिन में कार्य कर सकते हैं, यानी कि 24 लड़के किसी कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी का मतलब 30 बॉयज और 6 लड़के, 30 × 6 = 36, 15 × 2 + 6 = 36, बराबर 36 लड़के जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुल 12 × 24 = 36, 3 से कटेगा ये, तो 3 × 6 = 22, 44 दिन में ए आपका उत्तर होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, आज का अंतिम सवाल है ये, इस टॉपिक का है, उसके बाद कुछ और टॉपिक, आपके दो टॉपिक और बचेंगे, उसको हम लेके आएंगे अगली वीडियोज में। कह रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे कार्य करके किसी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि इससे 10 गुने कार्य को, भैया ये एक गुना है, ये 10 गुना कार्य को इनको करना है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करना है और 24 दिन में इनको करना है। कितने आदमी चाहिए इनको, कुछ हो सकता है इसमें, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, 5 × 5 × 10 = 12, 12 × 12 हो गया, 9 × 3 = 27, 270, क्या आपसे पूछा है, 270 आदमी उत्तर आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना है। देखिए चुटकियों में सारे सवाल हवा हो रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको इस प्रकार से सवाल को लगाना है, ठीक है, ध्यान रहे आपको कि लंबा चौड़ा तरीका नहीं, इस प्रकार से आप करेंगे तो कितने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के, अगली वीडियो में समय और कार्य के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए।